एक बार एक बौद्ध भिक्षुक एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब एक दिन वे ध्यान कर रहे थे, तभी एक नौजवान लड़का उनके पास आता है और उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं खुश और चिंता मुक्त जीवन कैसे जी सकता हूँ? यह सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को अपने पीछे आने को कहा। फिर बौद्ध भिक्षुक जंगल की तरफ बढ़ने लगे और वो लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्हें एक गोल पत्थर दिखाई दिया। बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से कहा, इस पत्थर को हाथ में उठा लो। लड़के ने पत्थर हाथ में उठा लिया। बौद्ध भिक्षुक लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर तक चलने के बाद पत्थर के भार की वजह से उस लड़के के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वो उन बौद्ध भिक्षुक के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय पश्चात जब उसके हाथों की पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई, तो उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, अब इस पत्थर को मैं और आगे नहीं ले जा सकता, इसके भार की वजह से मेरा हाथ फटा जा रहा है। यह सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, तुम इस पत्थर को नीचे रख सकते हो। लड़के ने पत्थर नीचे रख दिया। अब उसे बड़ा आराम महसूस हो रहा था, बड़ी खुशी मिल रही थी। लेकिन वे बौद्ध भिक्षुक लगातार जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर और चलने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लड़के ने कहा, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उस पत्थर को नीचे रखने से मुझे बहुत आराम मिला। अब मेरे हाथ में दर्द भी नहीं हो रहा। अब मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक वहीं रुक गए और थोड़ा गंभीर होकर कहा, मेरे बेटे, यही है ज़िंदगी में खुश रहने का तरीका। इस तरीके से तुम पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकते हो। उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षुक की बात कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाएं। यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जैसे कि तुम अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो कि वो सैकड़ों चिंता रूपी पत्थर हमेशा ही अपने मन मस्तिष्क में उठा कर रखते हैं और उन्हें हर वक्त ढोते रहते हैं, फिर तुम ही बताओ कि ऐसे लोग खुश कैसे रह सकते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन से वो सारी चिंताएं निकाल फेंकनी होंगी जो तुम्हें दुख देती हैं। अब वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुक की बातों को समझ चुका था। उसने उन्हें धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमारी कंडीशन भी उस जवान लड़के की तरह ही है। उस लड़के ने केवल एक पत्थर उठा रखा था और उस एक पत्थर ने उसे इतना दुख दिया, और हम लोगों ने ना जाने अपने अंदर ऐसे कितने पत्थर उठा रखे हैं। चिंताओं के पत्थर, उदासी के पत्थर, बुरी यादों के पत्थर, संबंधों में कड़वाहट के पत्थर, और ये तो सिर्फ कुछ नाम है। ना जाने ऐसे कितने पत्थर हमने अपने अंदर सालों से उठा रखे हैं और इस भार को हम लगातार ढोए जा रहे हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम खुश नहीं हैं। जब तक ये भार हमारे साथ है, जब तक हम इसे निकाल कर फेंक नहीं देते, हम खुश रह भी कैसे सकते हैं? अगर हम इन पत्थरों को अपने मन से निकाल कर बाहर नहीं फेंकते तो हमारे हाथ लगेगी केवल दुख और उदासी। और हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो कभी भी इन चिंता रूपी पत्थरों को अपने मन से निकाल ही नहीं पाते और फिर वो एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जीकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसलिए अगर हम सब एक खुशनुमा जीवन चाहते हैं तो हमें इन पत्थरों को अपने अंदर से निकालकर फेंकना होगा और खुद को हल्का करना होगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होना होगा वो केवल हमारे एफर्ट्स और हमारे काम करने से होगा। इसलिए काम करने वाला इंसान बने, चिंता करने वाला नहीं, और इन सारी चिंताओं के भार को अपने मन से निकाल फेंकें। अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, केवल और केवल तभी हम एक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ जीने में भी सक्षम हो पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।